जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान सुबह 24। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इडुटेरिया करंट अफेयर जो 1.5 वर्ष के लिए आया हुआ है, जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस संख्या 1 और 2 डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर पहले उसको आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं प्रैक्टिस संख्या 3 के। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करके एक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया गया है कि भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे NSDC और UAE में DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के में रूस की जगह किस देश को शामिल किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि चेक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ऑल आपका हो जाएगा। अब एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले दे दिया गया ऑप्शन में एलिजाबेथ वोन, जो फ्रांस के दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई है। ऑप्शन 2 में दे दिया गया है कि एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के एक नए प्रधानमंत्री बनी है। और सी में दे दिया गया है सक्सेना, जो दिल्ली के नए उप राज्यपाल बने हुए हैं। और थर्ड में दे दिया गया हसन शेख मोहम्मद, सोमालिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक दे दिया गया और पुस्तक के नाम दे दिया गया, और इसमें पूछा गया है कि कौन सम्मिलित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। एक में दे दिया गया है कि स्किन वर्ड, इनके पुस्तक का नाम है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। नेक्स्ट है प्रीतोन, ए प्लेस कॉल्ड होम। और थर्ड आपका ऑप्शन है बिमल जलान, जो द इंडिया स्टोरी, यानी कि आपका 1, 2 और 3, ये तीनों का तीनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि हाल ही में हुई निधन एवं संबंधित क्षेत्र को मतलब कौन सम्मिलित है। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। ए ऑप्शन में दे दिया गया लियोनिद क्राउच, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है अब्दुल गफर चौधरी, बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आपका है एंड्रयूस साइमंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है, यानी कि आपका ऑल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है, देवसहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया, यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों के बैठक को संबोधित किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जमैका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे दिया गया कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, जिसे बोलते हैं NCFL, का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले मतलब कौन से शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है।
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा स्वदेश निर्मित दो युद्ध फोटो सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अजय पीरामल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया कि इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस से भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निकहत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है 15 नंबर, मई 2022 में आयोजित बरवी हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने अपना नाम किया है? तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि ए इज राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का अपना सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि IIT मद्रास। 17 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया कि नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया के सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि माउंट एवरेस्ट पे। 18 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि निम्नलिखित में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चीन बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख T20 लीग एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अडानी स्पोर्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केरल ने ये घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि किस संस्था द्वारा 1,000,000 महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर बी हो गया, यानी कि WHO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 21-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैनचेस्टर सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने मंकीपॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू करने किया है, तथा ऐसे करने वाला पहला वो कौन सा देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बोरो ऑफ साउथ वर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील चोपड़ा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना के पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्फ में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैप्टन अभिलाषा बराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो डी इसका राइट आंसर, यानी कि दिल्ली, नई दिल्ली में ये उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उसके उपन्यास रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर फ्राइड से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकविल ने ट्रांसलेट किया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये आप भी जानते होंगे, गीतांजलि श्री।
किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजस्थान में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास को देखते हुए राज्य को तंबाकू मतलब विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि झारखंड को चुना है। नेक्स्ट है कि भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय के द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा और ए में दिया गया है शौर्य चक्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनको कंपनी के द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा और ए में दे दिया गया कर्नूल आंध्र प्रदेश। किस देश में स्थित दुनिया के सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंस यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चेक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुजरात में खोला जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने डाबोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि पीयूष गोयल। 36 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया कि हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा और ए में आपका दे दिया गया है सुपर नुआज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जमुई में पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया है, जर्मनी में सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जिसे बोलते हैं ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल की पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 33 पदक। अब देख लेते हैं, गोल्ड आपका 13 है, सिल्वर आपका 15 है, कांस्य आपका 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी में आपका जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा और सी में क्या दे दिया गया है, कोलकाता दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 में दे दिया गया है कि हाल ही में किस देश की नर्स आना कबाले दुब्बा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टारजियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी में क्या दे दिया, केन्या में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा और बी में NTPC दे दिया गया है, यानी कि NTPC बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, NTPC के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे बोलते हैं UNEP ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फिलिप ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 क्वेश्चन दे दिए गए। 45 नंबर क्वेश्चन में ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब सी में देख लीजिए क्या दिया गया है, दोनों सही है। अब दोनों में एक एक देख लेते हैं। पहले में दे दिया गया डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ठीक है, ये कहाँ के, डेनमार्क के हैं। और भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक, स्वर्ण पदक कहाँ के, डेनमार्क के, और भारत के रजत पदक जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 में शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लोबी भारत गैलेक्सी का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में किया है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल बन गया है। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्पसंख्यक महिलाओं के निवास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? हो जाएगा यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और ए में देखिए क्या दिया गया, डेनिस पार्नेल सुलिवन। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और सी में क्या दे दिया गया, कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ एंड होता है और नीचे में आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करने के लिए तो कल मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा टेलीग्राम के, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आप एक से दो बार जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस PDF में आपको टिक किया हुआ आंसर नहीं मिलेगा। तो जब तक आप वीडियो नहीं देखिएगा आपको आंसर पता नहीं चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस संख्या 4 के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।